फोरम मिल जाएगा उसके लिए आप ख़ुद एक मैराथन uh, रनर हैं oh. तो रनर्स को जो इंजरीज होती हैं uh, वो ख़ास तरीके की होती हैं बिकॉज़ uh, लोग कहते हैं कि तो बहुत आसान है ये एनी वन केन बी अ रनर फॉर हेल्थ बट दैट इज़ रियली नॉट राइट इज़ इट रनर के लिए देखिए ऐसे डिपेंड करता है आप किस लेवल पे दौड़ रहे हैं कि एक तो है कि पाँच सात किलोमीटर दौड़ रहे हैं फिर तो चलो है लेकिन एक जैसे हम लोग हैं कम से कम ट्वेंटी वन फोर्टी टू आजकल तो रनर्स हैं जो सत्तर सत्तर अस्सी अस्सी किलोमीटर के उससे भी ज़्यादा दौड़ रहे हैं तो ऐसे लोगों में तो ओवर यूज़ इंजरीज होती होती, होती, होती हैं उसमें मतलब खासकर लोअर लिम की शिन स्प्लिंट्स ये सारी ओवर यूज इंजरी नीचे पैर से लेके लेग में लेके नी में लेके इवन हिप तक ये इंजरीज बहुत ही कॉमन है रनर्स में लेकिन आपने क्योंकि घुटने की बात की और उस पर स्ट्रेस सबसे ज्यादा आता है क्या ऐसे लोग हैं जो फिर आगे चल के दे बिकम कैंडिडेट्स फॉर नी रिप्लेसमेंट देखिए नी का वियर एंड टीयर एक तो एजिंग के साथ होता ही होता है जैसे आदमी के बाल सफेद होते हैं वैसे घुटने भी धीरे धीरे कहते हैं कि एज हो जाते हैं लेकिन हाँ जो एक खिलाड़ी होता है उसको इतने सालों से जैसे खासकर रनर है वो अपने नी पे इतना स्ट्रेस देता रहा है इतने ओवर द पीरियड ऑफ ईयर कि उनका जो वियर एंड टीयर है वो दूसरे एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले थोड़ा जल्दी हो जाता है hmm. क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेसेस हर दौड़ में उसके घुटने पे स्ट्रेसेस पड़ रहे हैं तो अल्टीमेटली hmm. कितने कैंडिडेट्स हैं जो नी रिप्लेसमेंट के हमारे पास खिलाड़ी हैं जो अब साठ से सत्तर साल के हो गए उनमें नी रिप्लेसमेंट हमने कईयों में ऐसे किए हैं तो नी uh, रिप्लेसमेंट को प्रिवेंट आजकल हम वैसे भी सुनते हैं इट्स बिकम द नॉर्म और द फैड जिसको भी सुनो वो कहते हैं नी रिप्लेसमेंट करा लो या करवाते हैं लोग डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी फॉर नेरी नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है जो पेशेंट को अर्न करनी चाहिए उसको डॉक्टर को ये नहीं कि सेल करनी है कि भाई आप नी रिप्लेसमेंट करना है ये पेशेंट जब अपने आप में इतना उसका पेन और डिसबिलिटी इन डे टू तो डे एक्टिविटीज़ ऑफ नॉर्मल लिविंग जब बढ़ जाती है वो ठीक स्टेज होती है जिसको ज़्यादा दर्द नहीं है उसका आपने नी रिप्लेसमेंट अगर कर दिया तो उसको उतना फ़ायदा भी नहीं होगा पेशेंट अनथैंकफुल रहेगा रिजल्ट्स नहीं अच्छे रहेंगे जिस पेशेंट को दर्द ज़्यादा है मेन क्राइटेरिया दर्द होता है अगर जिसको सचमुच ज़्यादा दर्द है उसको उसकी नींद ख़राब हो रही है उसको रोज गोली लेनी पड़ रही है तो ऐसा कैंडिडेट जो है उसको नी रिप्लेसमेंट हम करेंगे तो सचमुच उसको फायदा होगा लेकिन जैसे आ, ये इंजेक्शन जो आ गए हैं आजकल इंजेक्शन इन, जिनको लेमेन लैंग्वेज में ग्रीस भरने के इंजेक्शन कहते हैं ये फायदा देते हैं लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज में अगर बहुत एडवांस स्टेज है तो उसमें फायदा नहीं देते लेकिन फिर भी जैसे कई लोग हैं जो कैंडिडेट्स फॉर नी सर्जरी है वो सर्जरी बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं तो वो खुद ही कहते हैं जी हमें किसी उसमें इंजेक्शन में फ़ायदा हो गया तो देने में कोई हार्म नहीं, नहीं है बट इनका मैक्सिमम फ़ायदा जो है जिसे कहते हैं अर्ली और मॉडरेट नी के वियर एंड एंडर में ही अच्छा आप आपने एक ऐसी सर्जरी भी की है जो जिसमें कार्टिलेज को रीग्रो किया है विच इज आल्सो फर्स्ट इन आर कंट्री उसके बारे में बताएं कार्टिलेज का एक्चुअली uh, रीग्रो होना uh, एक uh, विदेश में तो काफ़ी एडवांस सर्जरी है जैसे यंग खिलाड़ियों में कार्टिलेज जब अपनी उखड़ जाता है तो उसका कोई सेटिसफैक्ट्री ट्रीटमेंट नहीं है तो हमारे सेंटर में कई साल पहले ये uh, शुरू हमने किया गया था कि आ, उसके नॉर्मल एरिया से जब हम दूरबीन का इलाज करते हैं तो कार्टिलेज लेके उनको हम फिर एक लैब में भेजते हैं बॉम्बे और वो सेल्स उसके अपने ही सेल्स कार्टिलेज सेल्स ग्रो होके आते हैं अच्छा। और उसको फिर डेढ़ दो महीने बाद हम वापस फिर से फिर जोड़ खोल के वो जो खड्डा होता है उसको उसके अपने नॉर्मल कार्टिलेज से भर दिया जाता है अच्छा। तो ये बड़ी सेटिस्फाइंग सर्जरी है खासकर ये इसका फ़ायदा ओल्ड एज में नहीं है जिनका पूरा जोड़ ही घिस गया है ये यंग लोगों में जिनमें कार्टिलेज इंजरी की वजह से जैसे उसमें अगर डिफेक्ट आ गया है ऐसे खिलाड़ियों के लिए ऐसे लोगों में ये मदद कर तो है। क्या ये प्रिवेंटिव भी हो सकती है कि जब पता ही है हम ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं हर शुरू, किसी शुरू, शुरू, में नहीं में। जिसमें एम आर आई से आपको पता चले करा के हाँ भाई इसमें एक लोकलाइज सा डिफेक्ट है जिसको हम भर सकते हैं हाँ। ऐसे लोगों में मतलब पेशेंट सिलेक्शन अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट है चाहे वो इस तरह की सर्जरी है चाहे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है कोई भी सर्जरी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ठीक पेशेंट सेलेक्ट करना Uh, is the first thing to for the success of the procedure.